है और ये सारा सामान है 40 रुपए का। तो ले खा ले खा 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 ले। पहले चावल और उड़ीद दाल का बैटर तैयार करेंगे, उसके बाद तवा में थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे वो बैटर को। फिर अच्छे से इसको गोल करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर अच्छे से ढकाएगा नहीं ये, तो फिर एकदम पतला छिल्ला बनेगा। मेरी मम्मी की फुआ की बनाती थी ये छिलका छिल्ला। तो अब इसको हटा देंगे ढक्कन को और ये एकदम पतला सा छिल्ला बन के तैयार हो गया है, जो आराम से प्लेट में आ जाएगा बिना सटे हुए इसमें ज़्यादा, और थोड़ा सटिया कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लेट में आने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ ब्लॉग। तो स्वागत करता हूँ आपको मेरे एक और नए से ब्लॉग में। आज मेरा 43 शायद ये ब्लॉग होने वाला है और ब्लॉग कैसा स्टार्ट हो चुका है। सुबह गाय माता को रोटी दिए थे, आपने ब्लॉग में देखा होगा। और फिलहाल ये मास्क खोल देते हैं क्योंकि चेहरा जब तक अच्छा से नहीं देता तब तक आप लोगों को भी देखने में वीडियो मज़ा नहीं आता। वैसे ये जो बाइक है जिससे कि अभी हम जाने वाले हैं एक जगह, हो सके तो वहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान मिलेगा। वैसे वो जगह कुछ खास भी नहीं है पर हाँ वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान का भी मिल जाता है। वैसे हमको एक प्रोजेक्ट बनाना है तो शायद हमको उससे कुछ हेल्प मिले, वहाँ कुछ ऐसा सामान मिले जो मेरा प्रोजेक्ट में हेल्प हो तो हम वहाँ से लेंगे। वैसे गाड़ी में तेल भी भरवाना तो हो सके तो पहले तेल भराएंगे उसके बाद ही वहाँ जाएंगे। तो बस वीडियो में आप बने रहे और वीडियो एंजॉय करें। वैसे अंशु आ चुका है मेरे साथ, तो अंशु हाई कर दो। हाई देखिए, बॉडी बना रहा हाई की जगह पर। और हेलमेट लेके जाएंगे क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है मेरे लिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ ब्लॉग। गेट बंद कर दो। गाड़ी में और अभी निकलेंगे जहाँ हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि आज संडे, तो हो सके आज लॉकडाउन है तो बंद रहेगा, पर जाके देखते हैं कि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर कल ट्राई करेंगे। जैसे कि गए थे आप लोगों को बताए थे तो हम लोग वापस घर आ चुके हैं और हम लोग को कुछ कुछ सामान मिला है और भी सामान मिलेगा तो उसके लिए हमको किसी और दिन जाना पड़ेगा। तो अभी क्या क्या मिला वो आपको पहले दिखा देते हैं। ये है सीडी का जो बीच में रहता है, इसको हम इसलिए लिए क्योंकि इसमें तीन मोटर है मेरे पास, इसमें तीन मोटर है पहले से लगा हुआ तो शायद इस मोटर का यूज़ हो पाया मेरा। और एक ये रिमोट कंट्रोल लिया है, शायद ये रिमोट कंट्रोल इस गाड़ी का होगा। और इसका चक्का इतना बड़ा बड़ा, हमको ये चक्का पसंद आ गया इसलिए इसको हम ले लिए। इसमें 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 भी एक मोटर है और ये एरोप्लेन भी है रिमोट कंट्रोल, और जिसमें कि पूरा LED लाइट लगा हुआ ऊपर में और काफ़ी वेट है इसका तो काफ़ी अच्छा है, तो इसको एक ले लिए। और एक ये रिमोट कंट्रोल कार लिया है जिसका चक्का वगैरह सब कुछ ठीक है और सर्किट भी हमको ठीक लग रहा है, और इसका रिमोट हमको लगता है कि शायद ये हो सकता है, पर ये सारा उतना भी अच्छा नहीं है, इसको इसमें बनाना पड़ेगा। कुछ तार वेयर टूटा होगा या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा वो बनाना पड़ेगा। और हाँ, एक ये स्पीकर, हमको इसका लुक बहुत पसंद आ गया तो इसको इसलिए हम ले लिए। पर वैसे रखो अंशु, ये कुछ सामान है जो कि सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये का है। ये सारा सामान सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये का है। और भी एक चीज़ अंशु, वो दिखाओ, लाइट दिखाओ। ये लाइट भी है जिसको हम लिए हैं, जो लाइट ऑन ऑफ भी होता है, आपको दिख रहा होगा। रुकिए, अंधेरा में दिखाते हैं। ये आपको लाइट दिख रहा है, अभी ऑन है, देखिए ऑफ हो गया। हम ये इसलिए लिए हैं क्योंकि इससे मेरे ख्याल से हमको हेल्प हो सकता है इसका बैटरी का, तो इसलिए हम ये लिए हैं। और ये सारा सामान है 40 रुपये का। तो अब वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है आज के दिन। अभी शाम के 6 बज रहे और मेरे साथ अभी भी बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ मेरे साथ कि पापा जो चिकन लेके आए थे खाने के लिए आज, तो चिकन मम्मी बना रही थी आज, आज हम नहीं बनाए चिकन तो मम्मी बना रही थी चिकन। तो मम्मी चिकन बनाने के बाद कुछ जो ड्राई चिकन होता है, मतलब कि जिसको बोलते हैं बस बिना ग्रेवी के, तो वो मम्मी लगभग 6-7 पीस मेरे लिए और भैया के लिए निकाल के रखी थी। तो उसमें से भैया क्या किए, मेरे से पहले ऊपर जाके 6-7 पीस में से 3-4 पीस खा गए, और उसके बाद हमको नीचे आके बोले चलो चलो चिकन नहीं खाना, तो हम चिकन खाने साथ में गए ऊपर। और ऊपर जाने के बाद फिर वो बोलते हैं कि दो तुम खा लो, दो हम खा लो, मतलब साथ में से हम दो खाए, वो पहले ही 3-4 मार लिया था। तो ऐसा कुछ हो गया आज मेरे साथ।
तो पोपट बन जाता है मेरा हमेशा होता है। क्या बात है, हम कोई सब कोई मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और फिलहाल पीछे आपको मेरा ये एक्वेरियम दिख रहा होगा जिसमें 3-4 मछली है अभी, और ऊपर बैटमैन भी है जो हवा में उड़ रहा है। और हाँ, एक और बात आपको बताएं कि आज जो भी हम वो कवाड़ी जिसको बोल सकते हैं या फिर जो भी वहाँ से जो लेके आया सामान वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो मेरा सारा चीज़ लगभग वर्क कर रहा है। मतलब मेरा रिमोट कंट्रोल कार था, बस बैटरी लगाया वो चलना शुरू हो गया। और वो जो इमरजेंसी लाइट है वो तो आपको दिखा चुका है कि वो बटन दाबने से जल रहा है। और वो सारा मोटर है, वो सारा मोटर ख़राब होता ही नहीं है वैसे नॉर्मली, तो सारा मोटर काम कर रहा है और रिमोट कंट्रोल काम कर रहा है जैसा कि आपको पता है। और ये जो मेरे पास स्पीकर है, ये भी परफेक्टली बज रहा है। मतलब कोई तरह का इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस मेमोरी कार्ड लगा रहे हैं और बज रहा है। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम इसमें ये है, ये बैटरी इसका लगता है हमको थोड़ा सा कमज़ोर है, तो बैटरी चेंज कर देंगे तो उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो आप सोच के देख लीजिए, लगभग 40 रुपये ही मेरा खर्च हुआ, नॉर्मल 40 रुपये मेरा खर्च हुआ। और 40 रुपये में तो एक क्या दो मोटर खरीदेंगे उसका, जिसमें कि मेरे पास 4 से 5, 6, 7 मोटर हो गया होगा मेरे पास आज ही बस। और लगभग दो मोटर खरीदेंगे तो 40 रुपये लग जाएगा, आराम से लग जाएगा, शायद ज़्यादा भी लग जाए। और मेरा 40 रुपये में नहीं भी तो 500 का सामान एकदम, मतलब 500 का सामान आया ही आया। तो कहीं भी कोई भी चीज़ वेस्ट जो रहता है वो जिस उसके लिए वेस्ट हो सकता है जो आदमी को उसका यूज़ नहीं है, पर हाँ जिसको उसका यूज़ है उसके लिए वो तो सोना का पत्थर जिसको बोलते हैं पारस पत्थर, जिसमें से कि किसी भी चीज़ को सटाओ तो सोना हो जाए, तो उस जैसा अहमियत रखता है। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है, किसी भी चीज़ को आप फेंक रहे हैं तो उससे पहले ये सोच ले कि उस चीज़ का किसी और को ज़रूरत है कि नहीं। अगर ज़रूरत है तो पहले वो उसको पूछ ले कि ये तुमको चाहिए तो ले लो, उसके बाद ही उसको थ्रो करे, और थ्रो भी ऐसा जाकर करे कि वो वेस्ट ना हो, कचरा में ना चल जाए। ठीक है, तो फिलहाल अभी का वीडियो यहाँ बंद करते हैं, आगे देखते हैं और आज दिन में क्या होता है, मतलब शाम में क्या होता है। हाँ, से अंशु आ गया यहाँ पर, और अंशु बहुत मूड में देख रहे हैं, बाल कैसे बना रहा है, फिर से बनाओ, देखिए हीरो बन गया। अभी टोपी खोल के फेंका है, ये मेरे लिए टोपी अभी पहना हुआ था, फिर पहन लिया। स्मार्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, स्मार्ट लग रहा तो कमेंट कर दे बच्चा, कमेंट कीजिएगा। हाँ कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कर देंगे क्या? हाँ, लाइक भी और सब्सक्राइब भी सब कुछ। चलो ठीक है, बच्चा बोल दिया। अब बच्चा बहुत तेज बन रहा है ना, बहुत सारा बात बोल रहा है, तो इसको थोड़ा सा ना साबित करते हैं कि ये जितना तेज बन रहा है उतना तेज नहीं है। तो देखो अभी तुमसे एक क्वेश्चन पूछे, तुम आंसर बताओ। वैसे मेरे पीछे बैटमैन है, और ये जो लुक लग रहा है कैसा लग रहा है, ये 5 रुपये का चार्ट पेपर से बना है, तो जरूर बता दीजिए कैसा लग रहा है ये लुक बेड के जस्ट ऊपर। तो तुमसे जो क्वेश्चन पूछेंगे हम, हाँ मान लो एक एरोप्लेन है, ठीक है, ये एरोप्लेन है, इसमें खरगोश बैठा है, आदमी भी बैठा है इसमें, चूहा बैठा है, बंदर बैठा है, हाथी बैठा है, सब कोई बैठा है इसमें, ठीक है, ये एरोप्लेन में, और एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, अचानक से एरोप्लेन ऐसे से हिलने लगा, खरगोश जाके देखा पायलट के पास, तो पायलट तो बेहोश था, पायलट बेहोश था तो एरोप्लेन ऐसे हो रहा था, तो आप समझ गया खरगोश कि पायलट बेहोश हो गया, तो अब तो भाई कहानी खत्म हो जाएगा। पर अभी भी ऐसे हो रहा है, गिरा नहीं है, ठीक है। तो खरगोश बोला कि अब कुछ उपाय का नहीं है मेरे पास, तो लास्ट में एरोप्लेन उसी को चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट में वो एरोप्लेन चलाने लगा, तो एरोप्लेन चला रहा था पर उतना एक्सपीरियंस तो नहीं था, क्योंकि एक्सपीरियंस इसलिए नहीं था क्योंकि वो पायलट थोड़ी जो है भाई, वो तो नॉर्मली कहीं से यूट्यूब पे वीडियो देख के सीख गया होगा एरोप्लेन चलाने, तो हल्का फुल्का वो चलाने आता था, इसीलिए वो चलो चला रहा था एरोप्लेन चला रहा था, पर फिर भी एरोप्लेन संभाल नहीं पाया उससे। एरोप्लेन लास्टली ऐसे 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 आके यहाँ आके रुक गया, देख लीजिए यहाँ आके रुक गया, ठीक है। अब बताओ ये यहाँ आके एरोप्लेन क्यों रुका, इसका आंसर दो। जमीन से जस्ट इतना ऊपर, अब ऐसा क्यों हुआ, एरोप्लेन ऐसे यहाँ क्यों रुका, इसका आंसर बताओ। आंसर बता दिया तो कल तुमको डेरी मिल्क बबली 200 रुपया वाला, 200 रुपया कोई आता है, हमको तो नहीं पता वैसे, बस फेंक रहे इसको क्योंकि हम जानते ही बता नहीं पाएगा। हाँ 200 रुपये वाला, तो बताएं सर जल्दी यहाँ आगे रुक गया एरोप्लेन क्यों रुका, नहीं पता, नहीं हार मान गया। अरे पागल, देखो ऐसे उड़ रहा था ऐसे आके यहाँ रुक गया क्योंकि खरगोश ब्रेक मार दिया। ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है।
तो गाइस होप सो कि आपको एंजॉय हुआ होगा, थोड़ा सा मजा आया होगा। वैसे ऐसा कुछ अगर अलग से आपको भी सवाल मिलता है तो वो सवाल मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, शायद उसका हम आंसर दे पाए कि नहीं दे पाए, ठीक है। जो भी होगा हम आंसर रिप्लाई जरूर करते हैं, सबका कमेंट का रिप्लाई करते हैं, आपका भी करेंगे। तो बस हाँ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा फनी टाइप के पास तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में वो क्वेश्चन पूछ ले। तो मिलते हैं फिर आगे। ये अपना चेहरा ढक रहा है, देख लो, तुम शर्मा रहा है ना, देख लो, नहीं शर्माता। चलो ठीक है, मिलते हैं गाइस फिर आगे कुछ देर के बाद। आपसे एक सवाल पूछे यार, कितना साउंड कर रहा है कुत्ता पूरा पीछे से, बाप रे बाप, घर से बाहर आना पड़ गया हमको, इतना बात कर रहा है। अगर वो यहाँ 6-7 कुत्ता है और ये जो चिल्ला रहा है कुत्ता, भूख रहा है तब से आके, ये मेरा क्या होता है इधर है, यहाँ पे चूंग करते तब दिखेगा थोड़ा सा, हाँ ये सारा कुत्ता तब से भोंपो कर रहा है पूरा। तो फिलहाल अभी रात के 12 बज रहे और हमको बहुत जोर का नींद आ रहा है और मेरा वीडियो एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट, तो आज का ब्लॉग यहाँ कंप्लीट करते हैं। वैसे आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि रेगुलर वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं। और आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और आपको भी सुझाव तो मेरे चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।